हेलो गाइस, आज का ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ। मैंने मम्मी से जिद की मैं बनाऊंगा ब्लॉग, मैं बनाऊंगा। और क्योंकि मम्मी को सुबह बहुत काम था इसलिए मैं ब्लॉग बनाने लगा। आना से आप लोग बात कीजिए, आना अपनी छुट्टी कर रही है। आना अपनी छुट्टी कर रही है। ऐसी मांग ओछड़ी है, छुट्टी करना तो आना को आती नहीं है, है ना। और यहाँ पर मम्मी अपने ये सही कर रही है। और बाकी अभी बाद में थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? हम ठीक हैं। और अभी हम आए हैं ऊपर से, ऊपर यानी ये वाइट सीमेंट होता है ना, तो वाइट सीमेंट करके आज पहली बार हमने करी है वाइट सीमेंट। खुद पे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हाँ हमने वाइट सीमेंट। लेकिन आप लोग हमारी भाषा पे गौर मत करियो, करवे वाले कर भी लियो। आज हम अपने थोड़ी मूड में रहते, घर पे कोई बच्चन से तो ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ जैसे हमारी मम्मी हैं, सासू माँ, उनसे हम प्रॉपर बुंदेलखंडी में ऐसे ही बोलते हैं। आगरा में भी इतने नहीं बोल रहेंगे, कभी कभार कोई से बोल लेंगे, लेकिन जो हमारी रियल भाषा है वो है बुंदेलखंडी। प्रॉपर हम लोग आगरा के नहीं हैं, हम लोग हैं बुंदेलखंड के। जालौन जिला में हमारी ससुराल है, झांसी जिला में मायका है। तो ससुराल मायका दोनों बुंदेलखंड में ही है। तो आप लोग बताइए, अच्छा बुंदेलखंड से को है, कमेंट करके जरूर। हमें थोड़ी खुशी हुई कि चलो हमसे बुंदेलखंडी भी जुड़े हैं, और जो ऐसे भाषा बोलते हैं तो उन्हें बुरी भी नहीं लगे भैया। यानी हम बोल रहे तो हमें बुराई तो कोई है नहीं है भाई, आप बोल रहे हम बोल रहे, बात बराबर है। और अपनी भाषा तो अपनी भाषा है, हम अपनी भाषा पे नहीं कह रहे, हम सबकी भाषा पे कह रहे हैं। कोई भी हो, अपनी जो मातृभाषा है वो कभी नहीं भूलें चाहिए। जैसे हमारे बच्चा नहीं बोल पाते, लेकिन फिर भी एक हमारा बच्चा लड़का तो थोड़ा बोलने लगा, लड़की भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस यानी करत रहते, जब जैसे दादी बात करती है, लेकिन दादी को जब शर्म लगत तो दादी भी पता क्या करती, दादी हमें लोग से अच्छी तरह से बोलेगी कि मतलब बच्चा, फिर बच्चा हंसाएंगे दादी को ही शब्द जैसे नहीं बोल पाती हैं। तो दादी इन लोग से सीख रही, जो लोग दादी से सीख रहे अपनी बुंदेलखंडी भाषा में। और ना बिंदी क्योंकि सीधे आए, तो हमने उनसे कि हमने की बाउंड्री तो हम करना है, हमने की छोड़ जाइयो। तो बोले कि हाँ तुम कर पा रही, हमने की सही में हमने की कर लगे, तुमने कब करो, हमने की हाँ, हमने की हम तो हमने की शादी के पहले हमने की किचन तो हम और दीदी करते, हमने की किचन पूरी खाली मिल जाती, तो आराम से बस वहाँ में करत रहते हो जाती धीरे धीरे। और बकाया सब यानी पापा करते हैं, हमारे मम्मी और मम्मी यानी पूरी हेल्प करवाती मम्मी पापा और हम लोग। तो अभी तो हम फिलहाल बहुत थक गए हैं, तो थोड़ी देर के नाने आराम फरमा लें, वही आधा घंटा मुश्किल से, कहे कि आज अब हमारा कछु काम नहीं रह गए। बे ड्यूटी गए जैसी हैं तो 6:30 बजे के लगभग यानी निकल जाते हैं। तो हम बस नहा धो के हम लोग ने चाय पी ली थी, पूजा करके खाना पीना बन गया सब सो तो, और हमने कि अब चलो जा रहे, तो थोड़ी हमने पेट पूजा भी कर ली आज। काय झूठी का, वैसे सवेरे से करत रहेंगे लेकिन आज हमने पेट पूजा कर ली, काय कर ली भाई, काम पे डटेंगे, थोड़ी एनर्जी भी तो चाहिए यानी। और अब थोड़ी अपने आप में लग भी रहा है कि हाँ हमने इतना कर ला तो ठीक है, थोड़ा रेस्ट कर ले। अब हमारी आधी बाल्टी कपड़न से भरी रखी है, अगर कपड़ा धोने हैं। अब हम आपको घर अगर कैसे दिखाएं, आप लोग जो क्यों हाय दिया इनको घर अगर कैसे डरो है। अब बर्तन भी रखे हैं साफ करवे के लाना, अब यहाँ गैस भी साफ नहीं गई और अब का कहें अब। लेकिन फिर भी हम आधा घंटा लेट आएंगे जाके, बाद काम स्टार्ट करेंगे। और प्रॉपर हम जो भी नहीं करें आधे घंटा का होगा, का पता आधा घंटा को कहो, एक घंटा भी हो जाए, क्या कि थोड़ी जब पीठ में प्रॉब्लम ज़्यादा रहते तो दर्द होने लग जाता, तो ज्यादा वजह से हमारा चाहे काम लेट हो लेकिन हमें थोड़ा आराम करना पड़ा था। अब मजबूरी कह लो चाहे वो फायदा कह लो, बात बराबर है। तो ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे, और जब तक तैयार तैयारी हो लेंगे, काम कर करो के तैयार हो के बस फिर मिलेंगे, ठीक है। हाँ तो अब हम तैयार हो गए, निपट गए सब काम से। अब हम जो ब्लॉग को आज हम वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।
ठीक है, तब तक के लाना है, बाय बाय।